आतुर हूँ, लेकिन उस समय कारगिल युद्ध के दौरान मैं 18 ग्रेनेडियर्स जो कि तोलोलिंग और टाइगर हिल के ऊपर जिन्होंने कब्जा किया उसका कमान अधिकारी था। तो कश्मीर में आतंकवाद का युद्ध लड़ रहा था, अचानक यहाँ पे घुसपैठ हुई, तो मेरी पलटन सबसे नज़दीक थी तो इसको यहाँ पे लाया गया। तो मैं तो मुगलपुरा के इलाके में 16 मई को आ गया था और 17 को यहाँ द्रास में मीटिंग अटेंड करके हमें बताया गया कि कुछ एक मुजाहिदीन जो है तोलोलिंग टॉप के ऊपर आए हैं और उनको वहाँ से भगाना है और तोलोलिंग पे वापस कब्जा करना है। तोलोलिंग और टाइगर हिल का अगर आप कंपैरिजन करें, तोलोलिंग के समय ना आपके पास दुश्मन के बारे में खबर थी, ना उसके हथियार के बारे में खबर थी, ना एरिया के बारे में खबर थी, ना आपके पास इक्विपमेंट था, ना आर्टिलरी थी, ना इंजीनियर थी। बहुत मुश्किल लड़ाई थी और खुले में थी, ओपन में थी। लेकिन दूसरी तरफ टाइगर हिल के समय आपके पास सब कुछ था, आपका समय था, आप रिकॉनोसेंस कर पाए, पूरी डिटेल्ड रिकॉनोसेंस कर पाए, आपके पास पूरा साजो सामान था, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की स्कूल की टीम थी, 120 गन्स आपके पास थी फायरिंग के लिए, रॉकेट मल्टी रॉकेट जो बैरल जो जिससे फायर किया जाता वो आपके पास था, तो पूरी तैयारी के साथ किया गया।